अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के लेन देन को करीब से देखा, यह भी देखा कि वहाँ कोई काम बिना चढ़ावे के नहीं होता, और यह भी कि पार्षद के टिकट भी 10 से 20 लाख रुपए में बांटे जा रहे हैं। तो बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर गुर्जर समाज प्रदीप गुर्जर व अन्य ने बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ऐसा दावा किया है प्रदीप गुर्जर ने। आज मेरठ महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया के चुनावी कार्यालय पर प्रदीप गुर्जर के अलावा बसपा के पूर्व मंडल महासचिव रामजीवन लाल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जगरोशन सिंह, मंडल कोऑर्डिनेटर राजीव आर्य व पूर्व लोकसभा क्षेत्र प्रभारी संजय सिंह जाटू ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके साथ ही 25 साल तक लगातार मेरठ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे प्रदीप गुप्ता पिंकी ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वह दो बार भाजपा से पार्षद भी रहे हैं। मीडिया से वार्ता करते हुए प्रदीप गुर्जर ने यह कहा। बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जब मिलने का काम भी करती हैं पार्टी के पदाधिकारी से, कार्यकर्ता से, नेता से, तो उससे भी पैसे लेके उसके बाद मिलने का काम करती हैं। मैं 2004 से और आज 6:30 बजे तक बहुजन समाज पार्टी में था। एक लंबा कार्यकाल आपका बहुजन समाज पार्टी का रहा है, तो ये आज ही बहन जी का आपने जो आरोप लगाया कि एक्सीडेंट उनका आज हुआ, ये पहले से ही था? ये तो मैडम पहले से ही था और इसको हम सहन करते आ रहे थे। अब एक जब घड़ा भर जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है उसका। अब घड़ा भर चुका था और हम 2014 से देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का काम हमने किया है। किसी कारण से हम छोड़ नहीं पा रहे थे, हम किसी कारण से वहाँ फंसे हुए थे, अब वहाँ से निकले हैं, तुरंत छोड़ दिया। कारण क्या है वो तो जनता जानना चाहती है आपसे। कारण तो वो लेन देन का काम है मैडम। भाजपा में क्या पसंद आ गया? आज का जो चुनाव चल रहा है मेरठ महानगर निगम में, महानगर का, इसमें ही देख लो आप, नगर निगम के पार्षद का टिकट का रेट भी 10 लाख से 20 लाख तक रुपये में टिकट ये बेच रहे हैं। प्रत्याशी परेशान हैं, जनता परेशान है इनसे। बहुजन भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें, सारी रीति नीतियों से मैं सहमत होकर आज इस परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं भगवान श्री राम को मानने वाला हूँ, संतों की चरणों में दंडवत प्रणाम करने वाला हूँ, और आज जय श्री राम के उद्योग के साथ में आज मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हूँ। वहीं भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सभी लोगों के भाजपा में शामिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए यह कहा। जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से सरकार चली और जिस प्रकार से 2017 से योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार चली, उन नीतियां उनको पसंद आई, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली उनको पसंद आई, और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय किया। अच्छा, सभी जो आज यहाँ पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है वो सब के सब कैडर के लोग हैं, और इसलिए मैंने भी ये बात कही कि वो जमीन से उगे हुए नेता हैं, वो आसमान से टपके हुए नेता नहीं है। इसलिए उनकी पकड़ है, उनकी जो है संपूर्ण समाज के अंदर एक पहचान है, और वो ऐसे जब व्यक्ति पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो पार्टी की ताकत बढ़ती है, क्योंकि स्वयं भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है, तो ये एक अच्छा मिलन हुआ है। पहले था एक कार्यक्रम, था पहले भी था, ये 2-3 महीने पहले कार्यक्रम वास्तव में तय हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से वो उस वक्त संभव नहीं हुआ, तकनीकी कारणों से अब ये हुआ है। लेकिन चलिए, जब भी आए उनका बहुत बहुत स्वागत है, और निश्चित रूप से मैं उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की भी जो ताकत है वो बढ़ेगी, और उनको भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगेगा, जैसा वो कह रहे हैं उनका अनुभव भी वैसा ही होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।